वैसे तो भीलवाड़ा जिले में इलाज के बाद 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन अभी भी शहर के 20 से अधिक होटल रिजॉर्ट में 732 संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन में रखा गया है, जो कि बांगड़ अस्पताल के कर्मचारी और वहां इलाज करवाने वाले रोगियों के परिजन हैं। वहीं भीलवाड़ा में कोरोना का कहर बढ़ता देख प्रशासन ने 3 से 13 अप्रैल तक और अधिक सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। इस दौरान मीडिया सहित सभी संगठनों के कर्फ्यू पास अमान्य होंगे। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने बताया कि शहर में सब जगह बैरिकेडिंग करवा ली गई है और जो लोग बिना कारण बाहर निकलेंगे पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है और फल सब्जी 5 दिन में एक बार मोहल्ले में सप्लाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने दिहाड़ी मजदूरों के मकान मालिकों से भी अनुरोध किया है कि वे इन मजदूरों से मकान खाली नहीं करवाए और न ही 1 महीने का किराया ले। वह विधायक विठल शंकर अवस्थी ने महाकर्फ्यू का समर्थन किया और बांगड़ अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।